हमको लोग शिकायत नहीं करेंगे। अभी भोजन का शिकायत बहुत महंगा हो गया सर, मटन है जैसे चिकन फ्राई खिलाया लोग, पुलाव है, बहुत ही महंगा महंगा सामान। अभी महंगाई को देख के तेल वोल का तो लोग खूब जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब लोग भोज में पहुँच रहे हैं लड़की वाले के यहाँ तो शिकायत मखान खाना शुरू कर देते हैं। ये सर गलत है, हम तो कहेंगे उन सभी भाइयों से कि ऐसा आप ना करें, क्योंकि हर घर में एक बेटी है और एक दिन अगर बेटी नहीं है तो एक बाप बाप का भी बनेगा, तो एक बेटी का बाप भी बन सकते हैं, एक बहन का भाई भी बन सकते हैं। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो समझिए कि बड़ी ही मतलब दुखद की बात है। सबसे पहले इंसान बने हम लोग, खासकर भोजन की तौहीनी नहीं करना चाहिए। बड़े मुश्किल से अल्लाह की देन है कि नेमत है कि आपको भोजन दो टाइम का मिल जाता है और वो भोजन का आप कदर कीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा मोटिवेशन देने वाले सर अगर हर समाज में हो जाए तो समझिए कि समाज का सुधार होना ही होना है। अभी एक सज्जन को हमने देखा खाना खा रहे थे सर जी, तो उन्होंने थोड़ा बखान किया, उनको मना किया गया, बोला नहीं उनका ये जो सोच था बड़ा नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप खाना खाना चाहिए, ये था उनको ऐसे सोच नहीं जैसे उसमें देखिए कितने लोग गोश्त छोड़ देते हैं दो चार पीस, लेकिन उनको क्या पता कि वो कितने ग्राम का है, कितने मतलब मेहनत का पैसा आया हो। आजकल लोग मार्केट में जाते हैं मटन लेने तो उनका तेल निकल जाता है एक किलो खरीदना हो। कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा नहीं खा सकते हैं तो कम लीजिए, क्या पता आपका एक ये वाला छोड़ जो आप दूसरा कोई छोड़ देते हैं जिससे उस बेटी की मेहमान नवाजी में बरातियों की कमी हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जितनी आवश्यकता उतना ही खाइए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए, नहीं हो छोड़ दीजिए, ये ना कीजिए। नहीं तो ऐसा होता है ना कि आपने एक्स्ट्रा ले लिया छोड़ दिया, आपका तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर वो किसी मेहमान में कमी हो गई ना तो इससे उसका अपमान हो जाता है, अपमान हो जाता है। हाँ, जो हम लोग इंसान खुद करते हैं। तो देखा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा सर, मोटिवेशन भी बहुत अच्छा करते हैं सर, समझाए समाज, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं सर एक तरह से, और शिक्षा का तो समझिए कि मतलब सागर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि नजात ब्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेगा, हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी के करीब आ गए हम लोग, अब चलेंगे, गाड़ी स्टार्ट होगा। अनिल भाई गाड़ी आप ले चलिए, अब ले चलिए।